दोस्तों अब आप मेरे लाइव क्लासेस अनअकैडमी पे सिर्फ 1 रुपये में वॉच कर सकते हैं। बस आपको करना ही है कि आपको अनअकैडमी जो प्लस कोर्स है वहाँ पर आपको जो है क्लिक करना है, और उसके बाद में UPSC UPSSC का जो ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट करना है। देन इस कोड का आपको यूज़ करना है जो कि है शिवम1, और आप सिर्फ 1 रुपये में 1 महीने के लिए सभी अनअकैडमी पे जो कोर्सेज हैं उनको वॉच कर सकते हैं। मेरा साथ में जितने भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं वहाँ पर उनके सभी कोर्सेज को आप लाइव वॉच कर सकते हैं सिर्फ 1 रुपये में। दोस्तों साथ ही अब UPPCS मेंस 2018 के लिए जो हमारा आंसर राइटिंग का ग्रुप चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग GS के जो 4 पेपर हैं उसमें सभी में से एक एक क्वेश्चन पर डे, यानी कि 4 क्वेश्चन पर डे आपकी प्रैक्टिस जो है वो कराई जाती है। और दूसरा जो ग्रुप है वो डिफेंस स्टडी का है, इसमें 2 क्वेश्चन पर डे दिए जाते हैं, और डिफेंस स्टडी का पूरा जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से भी पुराने हिसाब से भी दोनों से जो है क्वेश्चन बनेंगे, और ये पूरा सिलेबस हम लोग ख़त्म करेंगे 30 अगस्त तक। GS का जो कोर्स है हमारा ये चलता रहेगा जब तक UPPCS मेंस नहीं हो जाता तब तक। 24 घंटे के अंदर जो है आपकी जो भी आप आंसर लिख के देंगे उसका रिव्यू कर दिया जाएगा, और आपको मॉडल आंसर भी रात तक दे दिया जाएगा। तो GS के लिए और साथ में ऑप्शनल डिफेंस स्टडी के लिए दोनों के लिए आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे से संडे यानी कि किसी भी दिन ऑफ नहीं है, 7ों दिन आप जो है आंसर राइटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। क्वेश्चन प्लस मॉडल आंसर और कॉपी का रिव्यू भी होगा। इस नंबर पे जाके आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके जो है डिटेल्स ले सकते हैं। दोस्तों एक और सदाबहार टॉपिक है हमारा विकलांगता। अब ये किसी पेपर में भी आ सकता है, तीनों पेपर से ये संबंधित है, पेपर 1 2 3 में भी। देखिए विकलांगता होती क्या बेसिकली, देखिए कि दैनिक जीवन में आम लोग किसी कार्य को आसानी से कर लेते हैं, परंतु यही कार्य विकलांग जन के लिए कठिन व चुनौतीपूर्ण होते हैं। इन अक्षमताओं को समाज द्वारा गलत ढंग से जो है वो देखा जाता है, और समाज की जो इसमें अवधारणा जो समाज के द्वारा बनाई जाती है कि विकलांगता अतीत के कर्मों का फल है, ये बोला जाता है कि आपके पुराने कर्मों का ये फल जो है वो विकलांगता है। दूसरा, विकलांगता को नज़रअंदाज कर व्यक्ति की अक्षमता का मजाक उड़ाया जाता है, तो ये जो है वो विकलांगता बिल्कुल भी नहीं है जो लोग इसके द्वारा बना दिए जाते हैं। बस विकलांगता सिर्फ इतनी बात है कि देखा जाए तो विकलांगता जो है वो शारीरिक नहीं होती, विकलांगता मानसिक भी होती है। इसके एक बड़ा एग्जाम्पल है, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके 2 हाथ नहीं है, वो तब भी खाना बना देते हैं किससे, पैरों से। वो लोग लिख लेते हैं किससे, पैरों से। वो लोग पेंटिंग कर लेते हैं किससे, पैरों से। तो इसका अर्थ क्या है, क्योंकि आदमी समझता है कि हर काम जो है हाथ से किया जा सकता है, तो यहाँ मानते हैं कि विकलांगता जो है वो शारीरिक नहीं होती, विकलांगता जो है वो मानसिक होती है, और लोग जो है लोगों की बेसिकली जो सोच होती है ना वो विकलांगता को जो है दर्शाती है। तो एक तरह से कहा जाए लोगों की सोच में ही विकलांगता होती है। तो ऐसा कोई कार्य नहीं है, बस उनका ये है कि जो लोग दूसरे आसानी से कार्य कर लेते हैं उस कार्य को वो लोग आसानी से नहीं कर पाते, और थोड़ा मुश्किल के साथ उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो समाज जो है वो विकलांगता के बारे में ये धारणा रखता है। समाज की संरचना, इसमें न्याय, नामकरण। अब नामकरण में क्या देखेंगे, उनको अंधा या बहरा जो बोला जाएगा। सुविधा का अभाव होता है इसमें, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परिवहन, ये ठीक है, ये सारी सुविधा जो है उनको उससे प्रभावित रहते हैं, वो उनको प्राप्त नहीं होती। अगला ये है शिक्षा प्रणाली, उससे में भी उनको दिक्कत होती है। अब देखिए अगली एक चीज़ है कि गरीबी, अलगाव और आर्थिक तनाव। अब यहाँ परिवार उसको अपने ऊपर बोझ मानने लगता है। तो उसके बाद में अब जो इम्पोर्टेंट है न्याय, तो न्याय की जो है प्राप्ति उसको नहीं होती। तो समाज की जो संरचना है उसमें जो है वो विकलांगता जो है एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ठीक है, तो नाम के द्वारा, समाज में नाम के द्वारा उसको जो है वो प्रताड़ित किया जाता है। सभी सुविधाओं का अभाव उसके पास होता है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, चाहे परिवहन हो। शिक्षा प्रणाली उसका जो अभाव रहता ही है, और गरीबी जानते, जब परिवार वो समझता है वो खुद कार्य कुछ कर नहीं सकता, तो उसके बाद अलगाव और आर्थिक तनाव भी जो है उसके पास में होता हो जाता है, यानी कि वो गरीबी की स्थिति उसे लगी रहती है। विकलांगता अगर देखें तो यहाँ पर विश्व में 15% है, लेकिन भारत की जो विकलांगों की जो संख्या है वो 2.21% है। ठीक है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लिखना है। अब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आया था, इसमें 21 श्रेणी विकलांगता की जो है वो कर दी गई है, ये संख्या है। ठीक है, अब 3 से बढ़ाकर 4% में नौकरी में आरक्षण कर दिया गया। 6 से 18 वर्ष तक की जो है उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी, शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। वित्तीय सहायता के लिए राष्ट्रीय और राज्य निधि का जो है वो निर्माण किया गया है। उसके साथ ही अवसंरचना सुधार
जो निजी व सरकारी इमारतें हैं वो ऐसी होंगी कि वो किसके अनुकूल होने चाहिए, जो विकलांगजन हैं उनके अनुकूल होने चाहिए, यानी कि जो सुविधा का अभाव जो मैंने आपको बताया था ऊपर कि समाज की संरचना में ये सारी चीज़ें अभाव उनके लिए होता है, तो इसके द्वारा यानी कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आया था उसके द्वारा संख्या में बढ़ोतरी की गई, यानी कि जो सभी लोग जिस तरह से उनकी पहले ये 7 थी, 7 से बढ़ा के उसको 21 श्रेणी में तब्दील किया गया है, ठीक है। तो यानी कि जो लोग इससे बाहर हो रहे थे, बच रहे थे और उनके साथ भेदभाव होता था, तो उनके लिए भी जो है वो प्रयास किया गया है, तो ये सुधार किए गए। सरकारी योजना उससे संबंधित क्या है, सुगम्य भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चला रही है, सुगम में पुस्तकालय, उसके बाद में UDIDI या दिव्यांग पहचान कार्ड भी है, और उसके बाद में स्वावलंबन योजना, ये सरकार के द्वारा उनको सशक्त करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सरकारी प्रयास में अगर देखें तो भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992 में आया, वो इनके लिए शामिल किया गया। विकलांगजन अधिकार जो अधिनियम 1995 है, इसका आर्टिकल 26 के तहत जो है वो 18 जो वर्ष तक की जो है वो निःशुल्क शिक्षा इनको मिलेगी। अगला है DPSP आर्टिकल 41, निःशक्त जनों को लोक सहायता जो है वो उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा, ये DPSP में हमारे यहाँ लिखा हुआ है। और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, ये सभी जो है वो सरकारी प्रयास हैं जो विकलांग जन से संबंधित हैं और सरकार ने इनको किया है। विकलांग जन पुनर्वास की जो है वो 3 वर्ग में है, पहला पहचान परामर्श चिकित्सकीय मदद, ठीक है, ये पहले में, दूसरा व्यावसायिक शिक्षा, और तीसरा है समाज में गरिमामय जीवन जीने के लिए आर्थिक पुनर्वास। तो किसी भी सरकार के द्वारा, इवन भारत सरकार के द्वारा, अगर विकलांग जो विकलांग जन है उनके पुनर्वास के लिए अगर कोई कार्य किया, उसके 3 स्टेज, अगर आप इसको स्टेज में बांट के लिख सकते हैं कि सबसे पहले सरकार का कार्य है कि उसकी पहचान करे, उनको परामर्श दे और उनको जो चिकित्सीय मदद चाहिए वो सरकार उनको उपलब्ध कराए, उसके बाद उनको व्यावसायिक शिक्षा दी जाए ताकि अपने अपने भविष्य का जो है वो निर्धारण आने वाले समय में वो स्वयं कर सके, स्किल डेवलपमेंट उनके अंदर होना चाहिए, और उसके बाद में समाज में गरिमामय जीवन जीने के लिए आर्थिक पुनर्वास, या एक तरह से कहा ऐसे कि उनको कुछ अधिकार भी जो है वो मिलने चाहिए, ठीक है, कानूनी अधिकार उनके पास में होने चाहिए जिससे समाज में वो अपने आप को स्थापित कर सकें और एक गरिमामय जीवन जो है वो जी सकें।